बाल दिवस के अवसर पर सोमवार को शहर के सुपेला थाने में बच्चों के सम्मान और आत्मविश्वास में इजाफे के लिए एक अनूठी पहल की गई। कक्षा चौथी की छात्रा सृष्टि वर्मा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। पुलिस की खाकी वर्दी में थाना पहुंची सृष्टि का सीएसपी निखिल राखेजा और टीआई दुर्गेश शर्मा ने पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। कार्यक्रम की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश ने दी। बाल दिवस के मौके पर शहर के सुपेला थाने में नन्हे बच्चों के सम्मान व साथ ही उनका आत्मसम्मान प्रबल बनाने का उद्देश्य लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई। इस शुरुआत के तहत कक्षा चौथी की छात्रा सृष्टि वर्मा को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। नन्ही सृष्टि खाकी वर्दी में जैसे ही थाना पहुंची तो सीएसपी निखिल राखेजा व थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट करके जोशीला स्वागत किया। गौरतलब है कि आर्य नगर कोहका निवासी सृष्टि वर्मा एक दिन के लिए सुपेला थाना प्रभारी बनी। राधिका नगर मैत्री विहार स्थित शिवा पब्लिक स्कूल में कक्षा चौथी में पढ़ने वाली सृष्टि को ये अवसर बाल दिवस के अवसर पर पुलिस महकमे की ओर से मिला। थाना प्रभारी की कुर्सी पर खाकी वर्दी में बैठी सृष्टि को देखकर मौके पर मौजूद सरकारी स्कूल के बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। थाना प्रभारी के रूप में सृष्टि वर्मा ने थाने के सभी अधिकारी और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें दी गई जिम्मेदारी के बारे में जानकारियां ली। कानून व्यवस्था सहित अन्य गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा भी उन्होंने की। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की सारी चीज़ देखी, मैं घूमी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना था कि मैं थाना प्रभारी बनूं। मैंने ऑर्डर दिया कि आप दिन रात काम करते हो ठीक है, उसके साथ परिवार को भी समय दो। मैं थाना प्रभारी दुर्गेश का ही ये पहल था कि सरकारी स्कूल के बच्चों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और एक विजिट से उनके मन में जो डर होता है पुलिस के बारे में, कुछ गलतफहमियां होती है, उसको दूर किया जाए और एक पुलिस के स्टेशन के माहौल से परिचित किया जाए, इसके लिए ये पहल की गई थी। जो बच्ची है छोटी, उसका सपना था कि उसको पुलिस वाला बनना है, एक दिन के लिए एसएचओ बनना है, तो उसकी भी ये मनोकामना पूरी की गई कि उसको एक दिन के लिए एसएचओ बनाया गया। इसे पुलिस का एक इमेज जो फिल्मों से बन जाता है, जो बच्चे उसको ही देख के समझते हैं कि उससे डरता है, पुलिस वालों से डरता है, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा बिना संकोच घर में कोई अगर दिक्कत हो या स्कूल कॉलेज में, जैसे आज जब बातें की तो पता चला कि किसी के स्कूल के सामने कुछ बच्चे घूमते हैं, आवारा बच्चे घूमते हैं, तो हमें यही चाहिए कि बच्चे बिना किसी संकोच से पुलिस के पास आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हमने ये भी बताया कि हर पुलिस थाने में एक बाल डेस्क भी बनाया हुआ है, महिला बाल डेस्क बनाया हुआ है, तो जिससे परिचित किया गया कि आपको अपने मन की जो भी बात है, कभी भी अगर किसी से कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक पुलिस को आके बता सकते हैं। इसी का ये एक उद्देश्य था, सारे थाने में आज ये किया जा रहा है कार्यक्रम कि सभी को पुलिस स्टेशन से परिचित किया जाए। स्कूली बच्चों को पाठ्य सामग्री भेंट कर मुंह मीठा यहां पर कराया गया। इस दौरान उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव व सहायक उप निरीक्षक आर के दीवान सहित थाने का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।